आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए की वसूली कर रैकेट चलाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नौरा फतेही आज पूछताछ के लिए ईडी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंच चुकी। आज ही ईडी ने समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें कि तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी कथित पत्नी एक्ट्रेस लीना पाल जेल में बंद हैं। सुकेश ने नौरा फतेही को भी अपने जाल में फंसाने की साजिश रची थी। नौरा फतेही एक कनेडियन मॉडल अभिनेत्री हैं। नौरा ने बॉलीवुड में कई मशहूर आइटम सॉन्ग पर डांस किया है। वो कई रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं। नौरा स्ट्रीट डांसर, 3D, बाटला हाउस जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को भी ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है। उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कल MTNL स्थित ईडी दफ्तर बुलाया है। जैकलिन को भी सुकेश ने जेल के अंदर से साजिश रचकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। खबरों के मुताबिक 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने का मुख्य आरोपी सुकेश अभिनेत्री जैकलिन को तिहाड़ जेल के अंदर से ही फोन करता था। सूत्रों का कहना है कि सुकेश तिहाड़ जेल के अंदर से कॉल स्पूफिंग सिस्टम के जरिए एक्ट्रेस को फोन करता था, लेकिन उसने अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी। एजेंसियों को सुकेश चंद्रशेखर की महत्वपूर्ण कॉल डिटेल हाथ लगी है। इसी के जरिए जैकलिन के साथ हुई धोखाधड़ी की जाँच एजेंसियों को भी जानकारी मिली है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। इस केस की बात करें तो ये 200 करोड़ की एक रंगदारी से शुरू हुआ था, जो जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। बाद में इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल का भी हाथ सामने आ गया था और उनसे भी कई घंटे पूछताछ चली। पुलिस की तरफ से बताया गया कि पॉल ने कथित तौर पर फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ ठगी करने में चंद्रशेखर की मदद की थी। बाद में इसी मनी लॉन्ड्रिंग के तार बॉलीवुड सेलेब से जुड़ने लगे। इस लिस्ट में सबसे पहले जैकलिन का नाम सामने आया, जिन्हें लेकर कहा गया कि वो खुद सुकेश चंद्रशेखर के जाल में फंस गई थी। खबर थी कि सुकेश द्वारा अपनी पहचान बदल जैकलिन को फोन मिलाया जाता था। अब इसी कड़ी में ईडी जांच को आगे बढ़ाते हुए नौरा फतेही से पूछताछ करने जा रही है। नौरा इस मामले में किस तरह से जुड़ी हुई है ये अभी साफ नहीं किया गया है। ऐसे में सिर्फ अटकलों का दौर है, लेकिन नौरा से पूछताछ का कारण साफ नहीं हो रहा है। अभी तक इस मामले में सुकेश और उनकी पत्नी के अलावा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी वसूली रैकेट में सक्रिय थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।